जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन के दौरान लीडरान का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला जारी है। वहीं आज इस कड़ी में वहीदपुरा तंगमर के आजाद उम्मीदवार उमर फारूक ने पीडीपी का दामन थामा है। मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं कि हमारे सामने सारे कैंडिडेट थे, मैं भी एक कैंडिडेट था मैदान में और मैंने भी देखा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसाइल है टंगमर्ग के, खासकर गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर देखा जाए तो गुलमर्ग का मसला बहुत हाई है। गुलमर्ग के मसले पे आज तक न किसी ने बात की है, ना कोई बात कर रहा है। हर कोई वो अपना सिस्टम चला रहा है, हर कोई अपनी कुर्सी के पीछे लगा हुआ है। तो सारे कैंडिडेट को मैं जानता हूँ, सबको नज़रअंदाज करके मैंने शबीर साहब का हाथ थाम लिया, पीडीपी का हाथ थाम लिया, क्योंकि पीडीपी वाहिद एक वो जमात है। शबीर साहब वो एक यहाँ पे टंगबर्ग में एक ऐसा कैंडिडेट मुझे नज़र आया कि जिसको कुर्सी की लालच नहीं है। मैं सबको दावत दे रहा हूँ, खासकर नौजवान को, आप आओ, ये आपकी लड़ाई है, मैं भी आपके साथ हूँ। उम्र साहब को उस बात का असर हुआ कि हमारे साथ जुड़ गए, तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यही चाहिए कि यहाँ के नौजवान, आज एक लड़का आया मेरे पास, कहा साहब आप ठीक है, मैं इसके साथ दूर, मेरा वोट आपको। मैंने कहा मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, मुझे आपका अंदर का चाहिए, जो ज़मीर जागे आपको। मुझे भले मत दे दो वोट, किसी और को दे दो, लेकिन सोचो हम किस लिए वोट दे, हमें क्या करना है। तेन ही गाट कर, मैंने कहा आज तक मैंने साहब किसी से बात ही नहीं की।